अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूँ अब्दुल खादर। आइए 14 मई की देखते हैं स्पीड न्यूज़। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की गायबाना नमाज जनाजा जुमा को मस्जिद अल हराम और मस्जिद अल नबवी में भी की गई अदा। नमाज इशा के बाद गायबाना नमाज जनाजा में लाखों सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की नेज उमरा जायरीन हुए शरीक। UAE के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर भारत का इजहार अफसोस, मनाया एक दिन सरकारी शोक, कौमी परचम को आधा झुका दिया। फलस्तीनी नसरात जर्नलिस्ट शिरीन अबू अकीला के जनाजे के शिरका पर इसराइली पुलिस का लाठी चार्ज, ताबूत गिरते गिरते बच गया। इसराइल पर लगा शिरीन को जानबूझकर कत्ल करने का इल्ज़ाम। शिरीन अबू अकीला के इसराइली फोर्स के हाथों वहशियाना कत्ल की मजम्मत में लंदन और ब्रुसल्स में इंसानी हकूक के कारकुनों ने किया मुजाहरा, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल करने का किया दावा। अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने भी अल जज़ीरा की फ़लस्तीनी नज़ाद जर्नलिस्ट शिरीन के कत्ल और जिनिन में एक और सहाफ़ी के ज़ख्मी होने की शदीद मजम्मत करते हुए तहकीक़ात का क्या मुतालबा। रूसी सदर के करीबी हलके के 12 अरकान के खिलाफ नई बरतानवी पाबंदियों का ऐलान। रूस ने अपने शहरियों को ब्रिटेन का सफ़र ना करने और बरतानवी वीज़ा ना लेने की दी हिदायत। चीन ने रूस मुखालिफ पाबंदियों की कर दी मुखालिफत, कहा इस तरह यूक्रेन में अमन कायम नहीं हो सकता। अमन कायम करने सियासी हालात साजगार बनाने की रूस और यूक्रेन से की अपील। फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने के लिए हुए सरगर्म, तो रूस ने फिर क्या खबरदार, कहा नाटो के साथ इलहाक की सूरत में भुगतने होंगे संगीन नतायज। यूक्रेनी सरजमीन पर रूसी फौजी कार्रवाई के दौरान रूस ने फिर अमेरिका पर लगाया संगीन इल्ज़ाम, कहा हमारे पास अमेरिकी फौजी बायोलॉजिकल वेपन्स की तैयारी के है सबूत। सदर रजब तैयब एर्दवान तुर्की के नए आयन के लिए पुरअज़्म, कहा फौजी बगावत के नतीजे जन्म लेने वाली फौजी हुकूमत की पैदावार आयन से जान छुड़ाकर दम लेंगे। सऊदी अरब के मशरक़ी शहर जहरान के एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में वसी पैमाने पर लगी आग, बड़े पैमाने पर हुआ माली नुकसान, जानी नुकसान की नहीं है इत्तला। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के जनूब में जंगलात और पहाड़ी इलाकों में लगने वाली आग शहरी इलाकों तक पहुंची, दर्जनों मकानात हुए तबाह, एमरजेंसी का ऐलान। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन कोरोना वायरस से मुतासर, ट्वीट कर कहा मेरी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद बदकिस्मती से कोविड से हो गई हूं मुतासर। श्रीलंका में अदालत ने साबिक वजीर आजम महेंद्र राजापक्से उनके बेटे और उनके करीबी इत्तेहादियों के मुल्क छोड़ने पर लगाई पाबंदी, बहरान अब भी बरकरार। मोदी सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर फौरी तौर पर लगाया बैन, बढ़ती हुई घरेलू कीमतों को कंट्रोल करने लिया गया फैसला, जारी किया नोटिफिकेशन। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे आज भी जारी, तहखाने के 2 कमरों का हुआ सर्वे, हिंदू मजहब से जुड़ा कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल सका, दोनों फरीक सर्वे में शामिल। अब मुंबई की हर दुकान और इदारों पर लगे साइन बोर्ड्स में मराठी होगी शामिल, शराब की दुकानों के साइन बोर्ड पर किसी अजीम शख्सियत या किले की तस्वीर लगाने पर भी पाबंदी। दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी भयानक आग, 27 अफराद की मौत, पीएम मोदी ने महलुकीन के विरसा को 2 लाख रुपये इमदाद का क्या ऐलान। मध्य प्रदेश के गना में हिरन का शिकार करने जा रहे 3 लोगों को पकड़ने पहुंची पुलिस पर शिकारियों ने की फायरिंग, 3 पुलिस अहलकार की मौत। मिनिस्टर केटीआर का बंडी संजय के खिलाफ हैतिक इज्जत मुकदमा, गैर मशरूत माजरत ख्वाही पर दिया जोर, बंडी संजय ने ट्वीट कर इंटर स्टूडेंट की खुदकुशियों के लिए केटीआर को ठहराया था जिम्मेदार। तेलंगाना के भदादरी कोत्तागुड़म में पेश आए वाक़े में आशिक और माशुका का घर से फरार होने के बाद दोनों के खानदानों में हुए झगड़े, एक कार नजर आतिश, बाज़ अफराद जख्मी। हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन तक मेट्रो स्टेशन पर भी फुट ओवर ब्रिज की तामीर, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने ट्विटर पर एक शख्स के सवाल का जवाब देते हुए दी इत्तला। तेलंगाना में नकली तुखम की सप्लाई को रोकने महकमे ज़राअत सरगरम, नकली तुखम फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, अहदेदारों ने कई मुकामात पर मारे छापे।
तेलंगाना में गर्मी की शिदत में रोज बरोज इजाफा, महकमे मौसमियात ने दी वार्निंग। तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों के दौरान शदीद गर्मी की लहर रहेगी बरकरार। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान की आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग शुरू। फिल्म में सलमान खान के मुकाबल पूजा हेगड़े आएंगी नजर। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हैदराबाद की जायके की दुनिया में पेश खिदमत है अरबेला रेस्टोरेंट, जहां पर अरबिक, लेबनीज, इंडियन कुजीन, चिकन मंदी, मटन मंदी, मुख्तलिफ किस्म के प्लेटर्स, बारबेक्यू, कब्सा, लहम, सी फूड, वेज एंड नॉन वेज, ग्रिल और तंदूर, शीश ताउक, इंडियन सीख कबाब, शेक्स एंड मॉकटेल्स जैसे ब्लू लगून, सैलड्स और डेजर्ट्स, बेहतरीन डिलीशियस खाने लज्जत और मयार के साथ, तजुर्बेकार शेफ, साफ सुथरा माहौल। एक बार आजमाएंगे तो बार बार तशरीफ लाएंगे। अरबेला हाउस ऑफ अरबिक एंड लेबनीज क्यूजीन, एसी गार्ड रोड, लकड़ी का पुल, हैदराबाद। वेडिंग कैटरिंग एंड होम डिलीवरी अवेलेबल।